हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। देश से 112 महिलाओं को अपने अपने क्षेत्रों में प्रथम स्थान पर रहने के लिए अवार्ड के लिए चुना गया है। इन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अवार्ड प्रदान किया है और इनमें कुछ महिलाएं हरियाणा की शामिल है। उनके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और स्टडी जोन के गवर्नमेंट जॉब्स के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में अपने अपने क्षेत्र में असाधारण कार्य करने वाली 112 महिलाओं को सम्मानित किया। रक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, प्रेस क्लिपिंग, इंटरनेट आदि सहित विभिन्न स्रोतों से 227 महिलाओं की सूची तैयार की गई और जजों के पैनल की मदद से 112 महिलाओं के नामों को अंतिम रूप दिया गया जो असाधारण कार्य कर अपने अपने क्षेत्रों में प्रथम स्थान पर रही। इन सभी महिलाओं को मिली प्रसिद्धि जिसे देश का नाम विश्व स्तर पर लिया गया उनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया। इन महिलाओं में पहली महिला न्यायाधीश, पहली महिला कूली, मिसाइल परियोजना की अगुवाई करने वाली पहली महिला, पहली पैरा ओलंपिक महिला आदि शामिल है। इस अवार्ड को महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा दिया गया। देश की वो महिलाएं जिन्होंने अपनी मेहनत और हौसलों के बलबूते न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश का नाम भी रोशन किया, इन 112 महिलाओं में कुछ हरियाणा प्रदेश की बेटियां भी हैं। आइए जानते हैं देश के अपने प्रदेश के नाम चमकाने वाली हरियाणा की बेटियों की किस उपलब्धि के लिए उन्हें फर्स्ट लेडी अवार्ड दिया गया। इसमें नेक्स्ट नाम है कविता दलाल का। कविता एक वेटलिफ्टिंग की खिलाड़ी है। कविता ने 2016 में दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था और भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए मई यंग क्लासिक में उनकी भागीदारी के दौरान उन्हें WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट रिंग में प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्हें ऑफर मिला। कविता ने WWE रिंग में उतरते हुए पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त किया। तो WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के रिंग में उतरने वाली वह पहली भारतीय महिला है, इसलिए उन्हें फर्स्ट लेडी अवार्ड के लिए चुना गया। और अगर आपके एग्जाम में आए कि कविता दलाल हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करती है तो इसमें आंसर होगा कविता दलाल हरियाणा के जींद जिले से बिलोंग करती है। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कविता दलाल का जन्म कब हुआ, तो इसमें आंसर होगा कविता दलाल का जन्म 15 मार्च 1983 को हुआ। इसमें नेक्स्ट है सुनील डबास। सुनील डबास वर्ष 2012 में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित होने वाली भारत की पहली महिला कबड्डी कोच बनी है। 2005 से राष्ट्रीय महिला कबड्डी टीम के कोच रही। इनकी कोचिंग के तहत टीम ने अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण पदक जीते। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सुनील डबास हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करती है, किस गांव से बिलोंग करती है। तो सुनील डबास हरियाणा के मोहम्मदपुर माजरा गांव से बिलोंग करती है जो बेरी तहसील के अंतर्गत आता है और झज्जर जिले के अंतर्गत आता है। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि सुनील डबास हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करती है तो आपका आंसर होगा झज्जर जिले से। और इसके साथ ही सुनील डबास भारत की पहली महिला है जिन्होंने द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सुनील डबास का जन्म कब हुआ, तो इसमें आंसर होगा सुनील डबास का जन्म 17 मई 1976 यानी 17 मई 1976 को हुआ। इसमें नेक्स्ट नाम आता है साक्षी मलिक का। साक्षी मलिक भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान है। इन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इन्हें 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न
से भी सम्मानित किया जा चुका है और इसके बाद इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसमें आपका पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि साक्षी मलिक का जन्म कब हुआ या साक्षी मलिक का जन्म कहां हुआ, तो इसमें आंसर होगा साक्षी मलिक का जन्म 3 सितंबर 1992 को हुआ था और इनका जन्म रोहतक के मोखरा गांव में हुआ था और इन्होंने पहलवान सत्यव्रत कादियान से विवाह किया है। इसमें नेक्स्ट है राधिका अग्रवाल। राधिका अग्रवाल गुरुग्राम की रहने वाली हैं और राधिका अग्रवाल एक ऑनलाइन वेबसाइट shopclues.com की सह संस्थापक और मुख्य व्यवसाय अधिकारी है। राधिका सबसे अच्छा ऑनलाइन शॉपिंग अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से यूनिकॉर्न क्लब के प्रतिष्ठित क्षेत्र में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला सह संस्थापक बनी है। इसलिए इन्हें 2018 में लेडी फर्स्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसमें नेक्स्ट नाम आता है कल्पना चावला का। कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री के रूप में अंतरिक्ष में कदम रखने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। कल्पना चावला ने 1997 में स्पेस टल कोलंबिया पर एक मिशन विशेषज्ञ और प्राथमिक रोबोट आर्म ऑपरेटर के रूप में उड़ान भरी थी। 2003 में वह 7 चालक दल के एक सदस्यों में से एक थी जिनके साथ स्पेस टल में एक घटना में उनकी जान ले ली। इसमें आपके क्वेश्चन बनते हैं कि कल्पना चावला हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करती थी या उनका जन्म कब हुआ था, और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि उनकी मृत्यु कब हुई थी। ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते रहे हैं हरियाणा के एग्जाम्स में। तो कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हुआ था और इनका जन्म हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था और कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को हुई थी। इसमें नेक्स्ट नाम आता है गीता फोगाट का। गीता फोगाट राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बनी है। गीता फोगाट का जन्म 15 दिसंबर 1988 को हुआ था और इनका जन्म हरियाणा के बलाली गांव में हुआ था। बलाली गांव अब चरखी दादरी जिले में आता है, पहले यह भिवानी जिले में आता था। चरखी दादरी भिवानी से अलग होकर हरियाणा का 22वां जिला बना है और गीता फोगाट की शादी पवन सिंह सरो से हुई है। गीता फोगाट पर एक फिल्म भी बन चुकी है और जिनमें इनके पिता महावीर सिंह फोगाट की भूमिका आमिर खान ने निभाई थी और इस फिल्म का नाम है दंगल। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी जोन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स और सब्सक्राइब के साथ आप नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इस पर जाकर हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियोज आप तक फेसबुक के द्वारा भी पहुंच सके।